असर बहुत तो नहीं पड़ेगा। अरे उसके प्रचार का भी मतलब क्या है इस देश और प्रदेश के चुनाव में? आप 9 किसान 9 सीट जीतेंगे। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वीके सिंह। दिवाली के 13 दिन बाद जो है वो उपचुनाव होने वाला है 9 सीटों पर और इसके लिए घोषणा हो गई है। लेकिन जरूरी सवाल यह है कि क्या इस दिवाली में जो इंडिया गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी है आमने सामने है, तो इसमें लक्ष्मी जी और गणेश भगवान दोनों का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलने वाला है, ये जानने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इनसे ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का आशीर्वाद उपचुनाव में किसे मिलने वाला है। भाजपा को मिलने वाला है। भाजपा को मिलेगा। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी जो अकेले 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, क्या कुछ असर डालेगी? देखिए, सबका अपना अपना मुद्दा होता है, असर बहुत तो नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई कुछ ना कुछ मान लीजिए अकेले अब देखिए उनके आपस में सहमति न बन पाने के कारण सपा अकेले लड़ रही है। 4 दिन बैठक चली कांग्रेस कोर कमेटी की, सपा कोर कमेटी की, बात नहीं बनी। नहीं बनी तो अपना अकेले होकर लड़ रहे हैं, यही तो महागठबंधन का वो है। तो जब अपने में सहमति नहीं है तो चुनाव जीतने में कैसे सहमति हो सकती है, बताइए आप। अच्छा, इंडिया गठबंधन चल रहा है ठीक ठाक? गठबंधन का ये तो महागठबंधन है, हर चुनाव में खाली दिखावटी होता है कि हम एक होने के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। और आज के डेट में जो उपचुनाव होने जा रहा है तो इसमें इन दोनों ने एक दूसरे को आपस में ही ठग लिया, क्योंकि साथ तो लड़ नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी तो कांग्रेस देखेगी, मुंह तमाशा देखेगी, कांग्रेस प्रचार करेगी। अरे उसके प्रचार का भी मतलब क्या है इस देश और प्रदेश के चुनाव में? कोई मतलब नहीं है, जब जनता उसको लाइक ही नहीं करती है कोई मतलब है नहीं। तो समाजवादी पार्टी आके 9 सीटों पर प्रचार करेंगे कोई मतलब नहीं। अभी हरियाणा में राहुल गांधी 12 जगह प्रचार किए, वहां से 9 जगह हार गए। उनके प्रचार का मतलब क्या? जनता किसी उनको लाइक करती ही नहीं है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है प्रचार प्रसार का। ये लोग घर बैठे और खाली तमाशा देखे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट में से कितने सीट? बुराक 9 जीतेंगे ये लोग। 9 से 9 जीतेंगे ये लोग, निश्चित रहिए। उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया है प्रदेश को और उसकी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। तो ये चुनाव जो है आगे आगामी 2027 को देखते हुए पूरा सीट महाराज जी के खाते में आएगी। अच्छा, अभी जल्दी जो है लखनऊ में पोस्टर देखने को मिला कि 27 का सत्ताधीश, वो पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा था। आपको क्या लगता है जो सपा अकेले 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ असर डालेगी? कांग्रेस साथ में अगर प्रचार करती है तो, और अगर साथ में प्रचार नहीं करती है तो? देखिए, दो चीज जैसे भाई साहब ने कहा है, परम पूज्य योगी जी महाराज हैं तो ये योगी जी का कंटिन्यू सरकार चल रही है, डबल से डबल कार्यकाल चल रहा है, डबल इंजन है, तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कम से कम एक उत्तम प्रदेश को न्यू दे रहे हैं, इससे बढ़िया क्या चाहिए। रह गई राजनीति की बात, तो अभी जो समाजवादियों की सोच है और योगी जी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है वो भी समाजवादियों को समर्थन दे दिया है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में हम प्रचार भी करेंगे। अच्छा, इसका दूसरा एंगल ये निकाला जा सकता है कि 2 सीट में लग रहा था कि कांग्रेस को लग रहा था कि हमारे जो मान सम्मान है उस पे थोड़ा सा बात आ जाएगी। हम वो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने उनको 3 सीट ऑफर किया था, फूलपुर लेकर के 3 सीट ऑफर किया था कि आप आइए चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, हमें आप पर पूर्णतः विश्वास है, आप 9 किसान 9 सीट जीतेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। 27 तक कैसे चालू रहेगा? 27 तक तो जलवा बिखरेंगे, 27 में यूपी के गवर्नमेंट अखिलेश यादव के हाथ में होगी। 9 सीट में दिक्कत भाई, 9 सीट में कोई दिक्कत है समाजवादी पार्टी लड़े तो? दुल्हन आई नहीं बाराती तैयार है, दुल्हन आई नहीं और बाराती तैयार है, इसका मतलब तो लिखा एक जगह पोस्टर में लखनऊ में देखा था जो आपने कहा है अभी, 27 का सत्ताधीश। अब वो चिड़िया चूक गई, अब 27 नहीं 87 के ख्याल में जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके एक भैया थे राहुल गांधी, उनको आपने कोई सीट ही नहीं दिया। कह रहे क्यों चाहिए नहीं था उनको? अरे जब खिसियानी बिल्ली, उनको लगा समाजवादी पार्टी बेहतर करेगी। हम कहे ना आपने सीटों पर समर्थन, अरे समाजवादी के लोग क्या कहेंगे जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष चिन्हों पे चलने का, पक्ष चिन्हों की बातों की बात ही नहीं समाज में की जनता के बीच में, ये लोग क्या चुनाव लड़ेंगे? लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होता है, जनता के बीच में रहेंगे नहीं? वही जनता तो 37 सीट दे दी। अरे 37 सीट दे दी, वो खटाखट फटाफट सटा सट इनका जीजा घोटाला, बहन जी घोटाला, वो कहां गया?
आज उसी सम्मानित मात शक्ति से पूछिए ना उत्तर प्रदेश में, लेकिन 15 लाख वाला आप बताइए ना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जनधन योजना किसने चलाया? जब अब तक 65 साल सरकारें थी कांग्रेस समाजवादी की, आप बताइए ना इनके बोलो लोगों की, बैंक में अगर करीब किसी मत शक्ति का खाता नहीं था, किसने खुलवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुलवाया। ये लोग क्या बात करेंगे जनता के बीच में? पहले खाता नहीं खुला, आप बताइए ना, खाता खुला होता तो उत्तर प्रदेश 14 से पहले बैंक में खाता था कि नहीं? अभी नहीं का नहीं था, इन्हीं का नहीं था, इन्हीं बस का नहीं था, इन्हीं का नहीं था, आपका था ना? हमारा तो था, देखिए इनका तो था। हाँ इनका था, क्योंकि ये कांग्रेस के विचारधाराओं से लूट खसोट वालों के साथ रहने का काम किए है, इनका रहेगा, इनके जैसे मानसिकता वाले हिंदुओं का भी रहेगा, जो अपने आप को हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की संस्कृति को ही नहीं पहचान पाए, वो लोग क्या बात करेंगे? इनके जो आका है इन लोगों के और इस देश को जो कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस का पहला प्रधानमंत्री अम्बेडकर में बैठा और लास्ट प्रधानमंत्री उसका लैंड रोवर पर आया, और जो लैंड रोवर इसको मैंने इन लोगों को मैंने गिफ्ट किया, एक कांग्रेस की है, अम्बेडकर से लेके लैंड रोवर तक मैं लाया और उस लैंड रोवर बैठाने की ताकत मैंने दिया, और आज उसी लैंड रोवर से घूम रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस क्या की। इनको आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से भी दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवा कपड़ा पहनते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, आज तक कोई उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उस तरह का अपना कपड़ा पहन के निकला था इनके पार्टी के लोगों का। कपड़े से क्या? अरे अभी आप सुने हैं कि अम्बेडकर से लैंड रोवर तक दिया, अरे इन्होंने दिया कि सम्मानित जनता ने दिया, सम्मानित देशवासियों ने दिया, ये क्या देंगे? उस कपड़े को हमेशा सम्मान उसी पार्टी ने दिया, तभी अगर वो सम्मान नहीं रहता तो ये पहन नहीं पाते। ठीक है रही, देखिए दो चीज पहने कब? कांग्रेस के जमाने से पहने, ध्यान दीजिएगा, अगर ये जाके स्पीच देते हैं, आज प्रधान है, मुख्यमंत्री है यूपी के, तो कांग्रेसियों की देन है, कांग्रेसियों के विद्यालय में पढ़े तो जा करके स्पीच देते देते रोना पड़ गया। और आंसू कौन पोछा? आंसू कौन पोछा? समाजवादियों ने पोछा, और आज भी पोछ रहे हैं, 9 की 9 सीट समाजवादी की झोली में जा रही है, समाजवादी एकदम जा रही है, ये लोग केवल पताका फोड़ेंगे और नाचेंगे 27 में मिलेगा तभी ना, तो वही तो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, हारेंगे तब भी जीतेंगे तब भी, ये लोग 9 का वर्ग है। कौन जीते? अब सीट पर आ गए आप, तो जो चुनाव हो रहा है इसमें सपा बापा की कांग्रेस उंग्रेस की मोहनी नहीं होनी। अब तो मिजाज नहीं समझ में आया, अभी कुछ देर पहले इसलिए समझ में नहीं आया कि हम विरोधी नहीं है भाजपा के, और न हम सपा कांग्रेस के समर्थक। आप सही बात बता रहे हैं, इन लोगों की करनी इन लोगों को लेकर डूब रही है। अच्छा सपा वालों की? सपा वालों की ईगो है, ईगो मतलब 37 सीट पा गए तो ईगो आ गया। हाँ ईगो आ गया, और किसी बड़े नेता को आकलन नहीं कर पाते हैं कि उसका कद क्या है, उसका हद क्या है, अनुशासन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी नंगा करे, कितना भी दुराचार करे या सरोकार करे, पोस्टर अभी कल परसों में वायरल हो रहा था 27 का 27, मतलब 27 अभी तो 2 साल है, लेकिन उसके पहले ही आज से ही समाजवादी पार्टी के मन में बैठ गया कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। 27 भी कहीं कुछ नहीं है, 27 में और स्थिति खराब हो जाएगी सपा की। इसके पहले जब चुनाव हुआ था धीरे धीरे तो लोग क्या कहते थे, आ रहे हैं अखिलेश भैया, अब गा रहे हैं अखिलेश भैया, वही सत्ताधीश की बात है भैया से। क्या कुछ प्रोस्पेक्टिव है आपका ये 27 के 27 वाले पे, और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का आशीर्वाद उपचुनाव में किसको मिलेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत काम की है, यहाँ तक कि आप सड़कों का देख लीजिए, पहले क्या खस्ता हाल हुआ होता था, अखिलेश यादव के शासन काल में सड़कें नहीं बनती थी लेकिन पेमेंट हो जाता था, सड़कें ना बने लेकिन पेमेंट हो जाता था, पैसा नहीं मिल गया पैसा मिल जाता था, और बंदरबाट हो जाता था। मैं यहाँ से अपने गांव 90 किलोमीटर जाता हूँ कुशीनगर, गांव मेरा वहाँ से कुशीनगर से आगे है, तो मैं जाता था तो ये हालत होती थी कि किधर से निकले, सड़क इतनी खस्ता हाल थी। आज क्या है? आज यहाँ से फर्राटे से 1.5 घंटे में अपने घर पहुँच जाता हूँ,
यहाँ तक आप देखिए विकास हुआ है, विकास भरपूर हुआ है। आप देखिए यही जिला अस्पताल देख लीजिए, जिला अस्पताल में एक दवा नहीं मिलती थी, अगल बगल बैठ के मरीज बैठ के सफाई भी नहीं रहता था, लेकिन आज सफाई व्यवस्था पूरा, दवाई की व्यवस्था, एक एक चीज किसी मरीज को खरीदना नहीं पड़ रहा है। तो हम समाज को क्या चाहिए, यही चाहिए ना। सीट में से कितने सीट, देखिए समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी हमेशा जब भी सत्ता में रही गुंडों को पालती रही, गुंडों को थाने छोड़ाती रही, अपने शासन काल में यही काम वो करके, अभी अभी शिवपाल यादव जी ने कहा है, दो दिन पहले उनका टीवी पे आया था कि समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन अधिकारियों का नाम नोट कर लो अपने डायरी में, और भी लाल कलम से मेरी सत्ता आएगी तो उनको बहुत बढ़िया समझाएगी। तो ये अभी सत्ता में आए नहीं, हनक देखिए आप 27 की बात कर रहे हैं, 27 क्या 47 तक नहीं आएंगे, ये 47 तक नहीं आएंगे, अभी तो बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। अभी भाई साहब ने बात मतलब चश्मा सा पावर और वाला लग जाए तो कुछ दिख रहा है, नहीं नहीं है अभी, वो रेंज में है या नहीं चश्मे के, 500 मेगापिक्सल उड़ लग जाएगा कैमरा तभी वो रेंज में नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी एकदम बहुत दूर है अभी, लेकिन अभी की हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के आंखों में चश्मा लग गया था, उसको लोकसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी ने पोच दिया और उसको स्पष्ट जो है 37 सीटें आ गई। बहुत सही बात उन्होंने कहा, गांधी जी ने आधी धोती ओढ़ करके और आधी धोती पहन के ही आजादी दिलाई थी, और लोग कहते हैं अभी सुनते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो गांधी नहीं है, वो मजबूरी में गांधी नाम अपने पीछे लगा लिए और इसलिए वोट चला गया। भाई गांधी जी को भुलाए हैं, आज तक गांधी जी के ही नाम पर चुनाव लड़े हैं, गांधी का नाम लेते हैं, गांधी जात कोई थोड़ी उनकी थोड़ी है, गांधी गुजरात में तेलियों की जात है, जो तेली गांधी लिखते हैं, गांधी जी तेली ही थे, आप इस चीज को जान लीजिए। और अभी उन्होंने कहा कि आंसू पोछने का काम किया, जो जनता के लिए, समाज के लिए, पब्लिक के लिए, जो संत हो गया जनता के ही लिए जी रहा है, वह आंसू बहा, उस समय लाठी नहीं चला सकते हम, विपक्ष की सरकार है, जनता के लिए रोड पे आकर के अपना धरना प्रदर्शन जनता के हक के लिए किया है, उनको जेल में डाला गया, तो आंसू बहाए या संघर्ष किए सारे वो कह रहे हैं, वो भी भाजपा ही नहीं, वो आरएसएस के होंगे या भाजपा से ही लगे हुए, भाजपा से ही लगे हुए। अभी ये कह रहे हैं, कहे है ना, लेकिन इनको पता नहीं है आंसू क्यों बहा। यही राजकुमार अगरी पेपर बेचता था, उसकी हत्या 2007 में कर दी गई, 2007 में उसकी हत्या कर दी गई, उसके लिए महाराज ने बहुत लड़ाई लड़ा, और लड़ाई का नौबत ये आ गई कि इनको जेल में महाराज को डालना पड़ा। समाज के लिए लड़ रहे थे, हिंदू के लिए लड़ रहे थे, सनातनी के लिए लड़ रहे थे, तो इनको पता ही नहीं कि महाराज का आंसू बहा क्यों, ये जानते तो कहते नहीं कभी। एक बात बताइए, 27 का 27 वाला पोस्टर वायरल हुआ है और आगे जो है उपचुनाव है, अब लोग ये कह रहे हैं कि उपचुनाव छोड़िए उस 27 तक प्लान बना ली है जो समाजवादी पार्टी है। देखिए समाजवाद की परिकल्पना भारत में चितरंजन जी और चितरंजन बाबू और राम मनोहर लोहिया ने की थी, आज उनकी आत्मा अगर आसमान से देखती होगी तो अपने आप को बड़ा कोसती होगी कि हमने आखिर इस समाजवाद की परिकल्पना क्यों की जो मुलायम के परिवारवाद में विलुप्त हो गया। पहले समाजवाद की परिभाषा अखिलेश भैया ठीक करें, जो अपना अक्लेश किए हुए हैं, अपने अक्ल को लेस कर लिए हैं, राजनीति करेंगे 82% मेजॉरिटी की और बात करेंगे 18% माइनॉरिटी की, तो ये देश में अब नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगी ये उपचुनाव में। उन्हीं का नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो 85% को आप हिस्सेदारी कब देंगे, सिर्फ आपके लिए आपको नेता, इसलिए आपके पूर्ते की चमक सिर्फ माइनॉरिटी के मेहनत से है। उन तमाम समाजवादियों का नाम कहाँ अखिलेश के लिस्ट में, जनेश्वर मिश्र, बेनी बाबू, अमर सिंह, ये लोग कहाँ हैं आज, उनके दाएं बाएं कौन है, मतलब टोटली माइनॉरिटी वाली राजनीति चल रही है समाजवादी पार्टी की, वो जो पुरानी समाजवादी पार्टी थी वो विचारधारा खत्म हो गई है। इस देश में तुष्टीकरण की नीति ने जो देश का बंटवारा किया, तीन हिस्सों में देश को बांटा, आने वाले समय में माइनॉरिटी के तुष्टीकरण की नीति में देश को जिले जिले और गांव गांव पे न बांट दे, हमें भय इसका है। तो जो है 13 नवंबर को चुनाव है, 9 सीटों पर उपचुनाव है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली के बाद जो है माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की जो आशीर्वाद है वो किस पार्टी को मिलने वाला है, और 9 सीटों में से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें और भाजपा को कितनी सीटें मिलती हुई दिखेंगी।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।